आज का यह वीडियो मैं निर्धनता एवं असमानता पर सेकंड पार्ट के रूप में दे रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने निर्धनता पर बात की थी और निर्धनता के सभी पक्षों को जाना था। आज का यह वीडियो आर्थिक असमानता पर डाला जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व में अल्पविकसित तथा विकासशील राष्ट्रों में यह होड़ मची हुई है कि वे कैसे विकसित राष्ट्र बन सकें, क्योंकि पूरा विश्व अल्पविकसित, विकासशील और विकसित देशों में बटा हुआ है। सभी देश समान रूप से ना तो समृद्ध हैं और ना ही उनके आर्थिक विकास की गति में कोई समानता पाई जाती है। एक तरफ विकसित या अमीर कहे जाने वाले राष्ट्र जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि हैं, जो कि आर्थिक समृद्धि के शिखर पर विराजमान हैं। उनके निवासी उन्नत जीवन स्तर जी रहे हैं। दूसरी ओर अल्पविकसित या विकासशील राष्ट्र हैं जिनमें भारत आता है और कई राष्ट्र जो कि निर्धन राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, वे जैसे मध्य पूर्व अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया के देश जो बहुत ही नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर हम पाते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग विकसित देशों में निवास करता है और बाकी का दो तिहाई भाग उत्पादन और उपभोग जो कुछ करते हैं वो बहुत ही निम्न स्तर का होता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो विश्व की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग ही विकसित है और बाकी का दो तिहाई भाग अभी भी अल्प विकसित श्रेणी में आता है। जब विश्व बैंक के कुछ विकास रिपोर्ट्स पर हम ध्यान दें तो 2009 के अनुसार जहां भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 थी, वहीं नॉर्वे की प्रति व्यक्ति आय $76,450 और स्विट्ज़रलैंड की $59,880 प्रति व्यक्ति आय थी। इस प्रकार हम अन्य राष्ट्रों से यदि हमारे राष्ट्र की तुलना विकसित राष्ट्रों से करेंगे तो पाएंगे कि हम बहुत पीछे हैं। किंतु ऐसे भी राष्ट्र हैं बुरुंडी जैसे जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय मात्र $110 थी। इस प्रकार विश्व में असमानता पाई जाती है। अब ये आर्थिक असमानता यदि हम पॉल डेकनी के आय वितरण की विषमता का अध्ययन विकसित और अल्पविकसित देशों के आधार पर करें तो उन्होंने अल्पविकसित देशों को क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्रों में बांटकर किया है। उनका ये मानना है कि विश्व में उत्तरी गोलार्ध में आय वितरण जो है वह समान है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में यह आय वितरण असमान पाया जाता है। और इस प्रकार हम आर्थिक असमानता का अध्ययन करने के लिए कुछ अलग अलग भागों में अपने अध्ययन को बांटेंगे। हमारा सबसे पहला आर्थिक असमानता के अध्ययन का भाग होगा असमानता के स्वरूप।
आर्थिक असमानता अनेक स्वरूपों में देखने को मिलती है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त असमानताएं अनेक प्रकार की हैं। यदि हम इन्हें मोटे रूप में बांटें तो चार प्रकार के स्वरूप पाए जाते हैं। सबसे पहला, वैयक्तिक आय असमानताएं। विश्व में सभी राष्ट्रों में सभी लोगों की आय समान नहीं हो सकती। सभी लोगों की आय अलग अलग होती है, इसलिए विभिन्न राष्ट्रों के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय अलग अलग पाई जाती है। यहाँ तक कि एक ही राष्ट्र में अलग अलग भागों में भी अलग अलग राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ये सब इसलिए होता है क्योंकि वैयक्तिक आय की असमानताएं होती हैं। व्यक्तिगत आय की असमानताएं ही वृहद रूप में आर्थिक असमानता का रूप धारण कर लेती हैं। दूसरा, प्रादेशिक असमानताएं। ये प्रादेशिक असमानताएं एक ही देश के कई राज्यों में अलग अलग प्राकृतिक दृष्टि से हो सकती हैं, और पूरे विश्व में प्रादेशिक असमानताएं पाई जाती हैं। अलग अलग राष्ट्र अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए हैं। अलग अलग राष्ट्र के पास अलग अलग प्राकृतिक संसाधन विपुल मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऐसे में इन प्राकृतिक संसाधनों की विषमता आर्थिक असमानता को जन्म देती है। यही नहीं, एक ही राष्ट्र में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग राष्ट्रीय आय पाई जाती है। जैसे भारत में प्रादेशिक विषमता बहुत अधिक है। एक ओर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं जहाँ बहुत ऊंची आय के स्तर हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान, उड़ीसा, बिहार इस तरह के राज्य भी हैं जहाँ प्रति व्यक्ति आय और विकास का स्तर बहुत नीचा है। तीसरा, हम देख सकते हैं धन और संपत्ति वितरण में असमानताएं। धन और संपत्ति का वितरण असमान होता ही है, और भारत जैसे विकासशील देश में केवल आय के वितरण की ही असमानताएं नहीं हैं, बल्कि धन एवं संपत्ति के वितरण में भी काफ़ी असमानताएं पाई जाती हैं। एक ओर बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं जिनकी धन और संपत्ति बहुत अधिक है, और दूसरी ओर बहुत छोटे किसान हैं जिनके पास स्वयं की भूमि तक जोतने के लिए नहीं है। ऐसी स्थिति में जिसके पास जितने धन और संपत्ति है उसकी आय उतनी ही अधिक हो जाती है, और जिन लोगों के पास स्वयं की धन संपत्ति नहीं है उन्हें मेहनत मजदूरी करके कमाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह एक असमानता का बहुत बड़ा स्वरूप देखने को सामने आता है। चौथा स्वरूप, चौथा प्रकार असमानता का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आय वितरण की असमानताएं, ये बहुत सामान्य बात है। क्योंकि भारत में ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आय बहुत नीचा स्तर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आय का स्तर काफ़ी ऊंचा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आय
शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की आय की तुलना में नीची रहती है और इस प्रकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आय वितरण की असमानताएं पाई जाती हैं। दूसरी ओर यदि हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र केवल प्राथमिक क्षेत्र पर ही आधारित है, जबकि शहरी क्षेत्र द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर आधारित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की आय कम होने से वहाँ के लोग कम आय वाले होते हैं और शहरी क्षेत्र में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पनपी हुई है जो ऊंची आय को परिलक्षित करती है। तो यह एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों में ऊंची आय होती है और ग्रामीण क्षेत्रों की आय नीची पाई जाती है। अब हम आगे आखिर आर्थिक असमानताओं के कारण क्या है इन पर दृष्टि डालते हैं। आर्थिक असमानता के मुख्य कारण विकास से संबंधित है। कोई राष्ट्र जितना विकसित होगा वहाँ पर आर्थिक असमानता उतनी ही कम पाई जाएगी। जब विकास का स्तर नीचा होता है उस स्तर पर आर्थिक विषमता कम पाई जाती है, पर धीरे धीरे यह असमानता जैसे जैसे विकास होता है आर्थिक असमानता कम होती जाती है। यदि हम इन कारणों को देखें तो सबसे पहला कारण है अवसरों की असमानता। सब लोगों को अवसर एक समान नहीं मिलते और अवसर यदि धनी वर्ग के लोगों को पहले मिल जाते हैं तो वे बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं। और ऐसा होता भी है कि जो अवसर होते हैं वो धनी लोगों को पहले मिल जाते हैं और निर्धन और पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं उन्हें अवसर बाद में मिलते हैं और इसलिए वे कुशल और मेहनती होते हुए भी अवसरों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा जो कारण है वो संपत्ति एवं भू स्वामित्व की असमानता का है। निश्चित ही जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति और भूमि होगी वे उतने ही अधिक तेजी से अपनी आय को बढ़ा सकेंगे और जिनके पास भूमि और संपत्ति स्वयं की नहीं है वे दूसरों की भूमि पर कार्य करते रहेंगे और उनकी आय कम होगी। जैसे जैसे भूमि और संपत्ति की असमानता कम होगी तभी आर्थिक असमानता भी कम हो सकेगी। तीसरा जो कारण है वो निवेश एवं उत्पादन के ढांचे से संबंधित है। जब कोई राष्ट्र अल्पविकसित होता है तो वहाँ का उत्पादन का ढांचा बिल्कुल अलग किस्म का होता है, अल्पविकसित किस्म का होता है। ऐसे में निवेश करने की जो अवसर हैं वे भी हमको कम मिलते हैं। निवेश आगे क्या वो अल्पविकसित राष्ट्रों में व्यापक बेरोजगारी पाई जाती है जो कि निर्धनता के साथ साथ आर्थिक असमानता का भी एक बड़ा कारण होता है। यहाँ की बेरोजगारी न केवल दिखाई देने वाली है, आंकड़ों में है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में
अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अगला बिंदु, यदि हम इन राष्ट्रों की जनसंख्या को देखें तो आर्थिक असमानता के लिए जनसंख्या की वृद्धि बहुत जिम्मेदार है। अल्पविकसित राष्ट्रों में और विकासशील राष्ट्रों में जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि के दौर में है और ये गरीबी का कारण बनती है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य यह है कि धनी वर्ग में जन्मदर कम होती है और निर्धन वर्ग में जन्मदर बहुत ऊंची पाई जाती है। ऐसे में धनी वर्ग में जब जन्मदर कम होगी, अधिक पढ़े लिखे लोगों में जन्मदर कम होगी और निर्धन वर्ग में जन्मदर के ऊंचे होने के कारण आर्थिक विषमता अपने आप बहुत अधिक दिखाई देगी। एकाधिकारी प्रवृत्तियां भी इन राष्ट्रों में बहुत पाई जाती हैं। वस्तु की पूर्ति को सीमित करके ऊंचा मूल्य निर्धारित कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं ऊंचे मूल्यों पर क्रय करनी पड़ती है। उपभोक्ताओं का शोषण भी आर्थिक असमानता का एक कारण होता है। इन राष्ट्रों में मूल्य वृद्धि और आर्थिक विषमता का बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि बहुत तेजी से होती है, इसलिए यहाँ पर आय की वृद्धि कितनी भी हो जाए आर्थिक विषमता कम नहीं होती है। बाज़ार के स्तर पर यदि हम देखें तो यहाँ के बाज़ारों में मुनाफाखोरों और चोर बाज़ारों की इतनी अधिक संख्या होती है, सट्टेबाजी और अप्रत्याशित आय कमाने के अन्य साधनों को इतना अधिक बल मिलता है कि काले धन की एक समानांतर अर्थव्यवस्था चलती है। जब मुनाफाखोरों और चोर बाज़ारों की संख्या अधिक होगी तो वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम उत्तराधिकार के नियम की ओर देखें तो यह भी आर्थिक विषमता को बढ़ाने वाला होता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में प्रचलित उत्तराधिकार प्रथा से पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में उत्तराधिकारियों को मिलती रहती है और इससे जन्म से ही आर्थिक विषमता बढ़ती रहती है। कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं जो काफ़ी अधिक मुनाफा देते हैं। इन व्यावसायिक भिन्नताओं के कारण भी बहुत ऊंची आर्थिक विषमता पाई जाती है। आजकल यदि हम देखें तो एक बहुत खास बात हमें देखने को मिलती है कि आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत ऊंचे पैकेज पर काम करते हैं, जबकि उनका जो कार्य है आईटी सेक्टर का, वो कोई बहुत अधिक मेहनत का नहीं होता है, किंतु उन्होंने इस प्रकार की पढ़ाई की है इसलिए उन्हें ऊंची आय वाले कार्य मिल जाते हैं। एक और किसान है जो बहुत अधिक मेहनत कमा करके भी उतना नहीं कमा पाता, और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो सोने चांदी का व्यापार कर रहा है या आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, वो लाखों रुपए महीने की आय पा जाते हैं। तो ऐसी जो व्यावसायिक भिन्नताएं हैं ये भी आर्थिक विषमता को बढ़ाती हैं। और जो सबसे मुख्य कारण है, व्यक्ति की योग्यताओं में अंतर होना, योग्यताओं के अंतर आर्थिक विषमता को बढ़ा देते हैं। एक और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत
कम विनियोग करके अपनी बुद्धिमता और अपनी मेहनत और अपनी चतुराई से बहुत अधिक आय कमा लेते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग होते हैं जो अपने हाथ की जो कुछ कमाई होती है उसको भी गंवा देते हैं। तो योग्यताओं में जो अंतर है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक कुशल, अधिक बुद्धिमान, अधिक परिश्रमी अधिक आय प्राप्त करेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। अब हम बात करेंगे आर्थिक असमानता को कम करने वाले उपायों की। अब हम बात करते हैं आर्थिक असमानता को कम करने वाले उपायों की। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में व्याप्त भारी असमानताओं के कारण उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक असमानताओं में कमी लाई जाए, और इस कमी लाने के लिए सरकार जो कुछ कदम उठाती है वो इस प्रकार के हैं। सबसे पहले संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाई है, और इसके लिए भू स्वामित्व पर रोक लगाने के लिए भूमि की सीमाबंदी कानून बनाए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किया गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र के इस विकास से क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाने के लिए पिछड़े राज्यों में इस क्षेत्र में बहुत अधिक विनियोग किया जाता है। प्रगतिशील करारोपण करके धनी वर्ग पर ऊंची दर पर कर लगाए जाते हैं, और इससे प्राप्त करों का व्यय निर्धन वर्ग को अवसर प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रगतिशील करारोपण मूल रूप से धनी वर्ग पर ऊंची दर से कर लगाना और निम्न आय वर्ग पर नीची दर से कर लगाने को ही कहा जाता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए निरंतर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो कि अवसरों को बढ़ाएं और नए अवसरों को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के भी बहुत सारे नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या नियंत्रण। निर्धनता और असमानता को कम करने में जनसंख्या वृद्धि दर यदि कमी हो जाए तो भारत जैसे राष्ट्र में असमानता भी कम हो सकती है। इसके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं, किंतु फिर भी प्रतिवर्ष 2% से अधिक की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करके भी आर्थिक असमानता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई को कम करने से मूल रूप से यदि अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में कमी कर दी जाए या उनकी वृद्धि पर नियंत्रण कर दिया जाए तो आर्थिक विषमता को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। सामाजिक सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। हमारी समाज व्यवस्था में व्याप्त अनेक प्रकार के जो अनुत्पादक खर्च रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए बाल विवाह निरोध कानून, मृत्यु भोज पर रोक,
दहेज आदि पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाए गए हैं। अनेक जन कल्याण कार्यक्रम बनाए गए और इन जन कल्याण कार्यक्रमों में BPL, निर्धन व्यक्तियों, कारीगरों, कृषकों को नीची ब्याज पर ऋण प्रदान करना, आवश्यक उत्पादन साधन जुटाने, तकनीकी सलाह, बिक्री एवं विपणन आदि की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो मूल कारण एकाधिकारी प्रवृत्तियों का रहा है इस असमानता की वृद्धि में, उसको रोकने के लिए MRTP एक्ट बना है। दत्त समिति की सिफारिशों के आधार पर देश में एकाधिकार एवं अनुचित व्यापार प्रणाली पर नियंत्रण करना महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए 71 में MRTPA लागू किया गया और इस MRTP एक्ट में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं ताकि एकाधिकारी प्रवृत्तियों में बहुत अधिक वृद्धि न हो सके। विकास को बढ़ाने के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की नीति भी बनाई गई है। आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए गांव-गांव में विकास, परिवहन, सड़क, जल आपूर्ति, ऊर्जा आदि की समुचित विकास की व्यवस्था की गई है। सिंचाई इत्यादि के अनेक परियोजनाएं चलाकर किसानों की आय में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकार सरकारी प्रयास आर्थिक विषमता को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। धन्यवाद।